ब्रो रिजल्ट आया किस चीज का? क्या सेम सिक्स पास बात है, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। कितने मार्क्स मिले? मार्क्स नहीं है ना, ये पॉइंटर वाला है। सात नहीं हाँ सॉरी, कितने पॉइंटर मिले? 7। तो सही है ना भाई, पास सही है भाई। क्या अभी T04 पे फेंस कंपनी, 304 तो 4। फेंस। गया अभी 304 156 10 मिलियन शेयर्स। ये भी एक्सेल पे ही होगा ना? हाँ मेरे को वही लगता है, ये भी लोग एक्सेल पे ही करवाएंगे मोस्टली। हाँ दिया है उसने पहले ही क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज कॉस्ट में ही दिया हुआ सिंबल क्या ये एक्सेल में आएगा क्वेश्चन? दिया। हाँ, सॉल्व ओ एक्सेल में करना। ऐसा, फिर वो देखो तो छोटू सा वो बना है ना, ये ग्राफ जैसा अपना, फिर क्वेश्चन देख रहे तो ए वाला, उसमें 304 पे है ना तू? हाँ कैलकुलेट द। देख को पे पहुंच। ओ अच्छा, उसका मतलब ये होता है कि एक्सेल में है सब। हाँ, और जो ये पीसी वाला है वो टाइप करना ओ है। नाइस, ये पता है ना मेरे को भाई, 3 पेपर रुके अब मैं खुद मेरे। आज सुबह डिस्कवर किया हूँ क्या अरे है भाई, 3 पेपर हो गए भाई, अभी पता चल रहा है भाई। क्या बात है भाई, देख सी सिक्योरिटी भाई 304। बेटा। चलो करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, इक्विटी बीटा सो टेन मिलियन इक्विटी बीटा ऑफ फेंस कंपनी इज 0.9 एंड द कंपनी हैज इशूड 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर इज 7.5। द कंपनी हैज आल्सो फाइनेंस बाय 7% ऑफ बॉन्ड विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 पर बॉन्ड बिल्कुल। व्हिच विल बी रिडीम्ड इन 7 years टाइम एट अ नॉमिनल वैल्यू। द बॉन्ड्स हैव अ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 14 मिलियन। द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स हैज बीन पेड एट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड 107.14। ठीक है। Fensco plans to invest the project in a project that is different from its existing business operations and has identified a company in the same business area as the project, Hex Company. The equity beta of Hex Company is 0.1.2 and the company has an equity market value of 54 million. The market value of debt is of Hex Company is 12 million. अच्छा ये मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। दे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हिच कुड बी यूज्ड इन अप्रेजिंग द न्यू प्रोजेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का है, वाला तो ठीक। फर्स्ट इसका ही है, करेंट हाँ और नीचे उसका रिस्क फ्री एवरेज रेट कॉस्ट दिया हुआ है और स्टॉक, ठीक है, मार्केट का रिटर्न सही कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह दिया हुआ है। एक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टार्ट। बैक अबे वो फॉर्मूला क्या था? आरएम बैक प्लस बीटा आरएम प्लस, नहीं आरएफ, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आरएम बीटा। था, आरएम आरएफ माइनस आरएफ था, बीटा के बाद मुझे ऐसा लगता है आरएफ था क्योंकि उसमें आरएफ था। आरएम के ऊपर ना डैश आता है विच इज हाइपोथेसिस, मतलब अजम्पशन, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन मार्केट इतना होगा, वेर एज रिस्क फ्री रिटर्न क्लियर कट दिया जाता है। ठीक है। आरएफ कितना है? 4। डेट नहीं कर रहा, रुक जाओ। 19 18
इक्वल टू 10.3 आया गया कॉस्ट क्या कैपम? कैसे ऑफ इक्विटी तेरा। फॉर्मूला इतना जल्दी? ही डाला मैं खाली, तू क्या किया? अरे मतलब कौन सा फॉर्मूला डाला तूने? नहीं, फॉर्मूला लिखना भी है। मैं तो लिखता हूं, बट तू कौन सा फॉर्मूला, मतलब तू कैसे किया, कौन सा शॉर्टकट यूज किया तूने? शॉर्टकट कुछ नहीं, इक्वल्स टू के बाद डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर दिया मैं। अच्छा वैसा? हाँ नहीं, वैसा भी नहीं करना है, इतना भी नहीं, वो फॉर्मूला शायद हाँ हाँ डालना मैं पड़ता वही है। वही 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 फॉर्मूला डाल देता हूँ। अरे वो नीचे तू वो कैसे लिखेगा नीचे अगर लिख, अच्छा कैप्स लॉक और वही है क्या? ओके ठीक है। चार परसेंट RRM इज कितना परसेंटेज? 11%। ए इज अरे अरे इक्वल अरे प्लस अरे हाँ, इधर मल्टीप्लाई डाल नंबर पे। एवरेज 10.7 से अगर 7 × 6, हाँ यार फिर 10.3 है, 0.3% यू आर राइट, 10.3% ही आता है। हाँ नहीं, अभी वैल्यू डाल के मेरा भी हुआ ज्यादा सही सही। शॉर्टकट ले लिया था मैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग KD। सबसे पहले तो KD के लिए तो नॉमिनल बॉन्ड प्रोडक्टिविटी रिडीम 7 years नॉमिनल वैल्यू ठीक है ना, बॉन्ड जो नॉमिनल वैल्यू 14 million, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पे द करंट मार्केट वैल्यू ठीक है। टू फाइंड KD, we have to use IRR method wherein we require two NPVs and thus two different discount rates. जुक चर खगल था पानी डी गलते वैल्यू इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ये वाला आपका इंटरेस्ट रहता है। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इक्वल टू पोस्ट टैक्स, तो आई थिंक इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, वन माइनस टैक्स जो कि पॉइंट है इंटरेस्ट 7% टैक्स, हमें कितना परसेंटेज दिया है? डेट को इधर रहता है 20%, %60 इंटू
ये 5 पॉइंट नहीं, रेट टैक्स 20% है ना अपना, वैल्यू, हाँ टैक्स 20% है। वैल्यू इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट वैल्यू, रिडेम्पशन अमाउंट, मार्केट वैल्यू आना कितना है? 107 बोलो। 114, नहीं नहीं कुछ नहीं, ओके ओके सेवन योर इस तक ये चलेगा, हम से 200 के वैल्यू पे करेंगे 7 इयर्स टाइम, तो 7 का फैक्टर 7%, 7% में कितना परसेंट है? नहीं हाँ सॉरी, मैं यूज कर रहा हूँ 5%, 5% का 7 साल के लिए 5.786, 5.786 रिडेम्पशन एट 5% ऑफ 7 इयर्स इज 0.7911। सम बट सो नेगेटिव4.16, 0.376 वायर का फॉर्मूला का यूज करना है अभी, 20 भी 20 भी, चलो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो IRR is equal to lower interest rate plus bracket open NPVL upon NPVL minus NPVH bracket open into higher minus lower LH NPVL NPVH तो है ये पीवीएच नहीं लगा मेरे शायद, पीवीएच कंट्रोल सी कंट्रोल, तेरे को एक्सेल के कितने शॉर्टकट्स पता है? ज्यादा नहीं मालूम भाई, मतलब बेसिक वाले हैं, बाकी कुछ आइडिया नहीं है। हाँ सीखना था मेरे को इसीलिए, हेल्प नहीं मेरे को सीखना था इसीलिए मैंने पूछा। होती तो है उससे। बहुत बहुत ये रहता है 0.86 नेगेटिव, ठीक है, एंड देन IRR व्हिच इज दिस प्लस दिस इनटू दिस, वाओ मैंने लोग सोच रहा 4.1415% मैं आया रहा, विच इज केडी, तेरे केडी कितना है मेरे को बाद में बता,
नो, बहुत ही गंदा आ रहा है। अरे अरे फिर तेरे को मिलता है बैग एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ लास्ट स्टेप फाइंडिंग बैग, फाइंडिंग बैग से सबसे पहले अपने देखना है कि यार ये तो कुछ अच्छा है, तो मैं हटा देता हूँ मैं फिल। पर्टिकुलर्स मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर 7.5 100 नंबर ऑफ शेयर चाहिए एंड मेरे को 7.5 वैल्यू इधर कितनी आ गई 14 मिलियन की है, यहाँ पे इक्विटी की ऑलमोस्ट 10,000 मिलियन में वैल्यू नहीं है मार्केट वैल्यू। स्टॉक की होती है ना, अभी मैं नॉर्मल वैल्यू हमेशा 100 की होती है, सो मेरे को नंबर ऑफ जो भी है वो मिलते हैं यूजुअली। यहाँ पे मैं 10,000 लेता हूँ, मैं 140 लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं मार्केट वैल्यू से, देन मैं डिवाइड, नहीं डिवाइड डिवीजन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 7.5 मार्केट वैल्यू, यहाँ पे 107.4 मेरी मार्केट वैल्यू, मेरे को कुछ तो देगा। एंड देन इस वैल्यू के ऊपर शायद मैं मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चार्ज करूंगा, COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली, व्हिच इज दिस एंड दिस पोस्ट COC देगा, COC वैल्यू देगा। तो इधर 10% है, लेकिन 10.3 कैश करता है। देन इसका टोटल इज सम 10, मेरा वैक का जो वैल्यू आता है विच इज डिवाइड बाय दिस इनटू 100, 9.27, 9.275% वैक, तो 9.28 आता है। फॉर्मूला देखना पड़ेगा, मेरे को वैक मिला बट मैं 2 मिनट लेकर उसे भूल सा गया रे एकदम से कि क्या करते थे क्या अपन। लाइक वो मार्केट वैल्यू कुछ तो था पता है कि अपन मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट वैल्यू ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड देन टोटल हाँ नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय 100 इनटू मार्केट वैल्यू। मैं अचानक से भूल सा गया, जब तो बाद में याद आया तो ठीक है, और तो लगा कि
ये आई आर आर का शॉर्टकट क्या था? फॉर्मूला यार याद है वो एक्चुअली L+N NL/NH-NL H-L? एक्चुअली मैंने बताओ। आयर का फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, लेकिन मुझे नहीं आता जेन्युइनली स्पीकिंग, और मैंने ट्राई भी नहीं किया अब तक यूट्यूब पे जाके ढूंढने का. सो मैं क्या करता हूँ, मैं वो फॉर्मूला से ही करता हूँ. ओ अच्छा, तो हाँ, और एग्जाम गेट में पता नहीं फॉर्मूला से किया है क्या, कैसे किया, लेकिन मैं फॉर्मूला से ही करता हूँ. मैं मैं देखा था फॉर्मूला, मैं भूल गया वापस अप्लाई कैसे करते थे उसे। मतलब आंसर चेक करते हैं. वैल्यू इक्विटी, मार्केट वैल्यू कितनी है भाई? अबे पैकेज 999.3 अपने को मिला 9.28. क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस, गुड गोइंग. इक्विटी विच कुड बी यूज्ड इन अप्रेजिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट फेंस कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट दैट इज डिफरेंट टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस and has identified a company in the same business area as the project. Hexco. The equity beta of Hex company is 1.2. The company has तो a equity market value of 54 and a market value of debt of Hex company is 12. इसमें फिफ्टी भाई फोर थोड़ा और 12 ठीक है। फॉर्मूला यूज टैक्स कर रहा हूँ. का, अरे ये टैक्स किधर है? टैक्स देखने दे, रुक। 20% हाँ ठीक है, तो अभी टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द मुझे एक बात बता, जब ये लोग अप्रेजिंग बोलते हैं मतलब ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? फ्रेजिंग फ्रेजिंग आई थिंक फ्रेजिंग कैसे बोलूं मैं? हाँ मेरे इसके पीछे देख ले। Find out the cost of equity in our operation budget. We need to use the CAPM formula. ठीक है. For that we would require the beta equity and the company. Company which we don't have, so we have to use the beta equity of a proxy company of the beta equity and out the beta asset that company the beta asset of proxy and our company is the same. Thus, he knows that as the gearing in order to find out the equity data of our company, of our project company. प्रोजेक्ट इतना लिख देना फिलहाल के लिए. उसके बाद फॉर्मूला बीटा एसेट इज इक्वल
एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी वैल्यू, इक्विटी वैल्यू इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू इक्विटी, इसमें वैल्यू इक्विटी प्लस डेट सर कुछ है, प्लस वैल्यू डेट टैक्स वन माइनस टैक्स। समझ नहीं फॉर्मूला क्या था। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू वैल्यू अपॉन इक्विटी अपॉन बीटा वैल्यू, इक्विटी इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट वन और माइनस ब्रैकेट टैक्स। 1 माइनस टी। हाँ ठीक है परफेक्ट लिखा है। तो बीटा एसेट अभी ढूंढेंगे, बीटा एसेट एक्स कंपनी, तो अभी हमें क्या करना है, बीटा इक्विटी में एक्स कंपनी का जो है 1.2 इक्वल टू 1.2 इनटू हम भी करेंगे उसमें तो 1.2 उसको ना ऐसे प्रेजेंट करने के लिए 1.2 वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें कितना दिया गया, फिफ्टी फोर एंड बाय 54 प्लस 12 प्लस 12 वन माइनस टी टी विच इज 0.2। हम इसी चीज को क्या करेंगे, कॉम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन फिर हम डालेंगे इज इक्वल टू नो गैप्स अलाउड गुड ना, बड़ा वाला ये डाल मेरा 1.019 आया है क्या हो बीटा एसेट। गया क्या। अच्छा अच्छा एक मिनट ना, मैं ओहो कैलसी यार पे किया ना, इसलिए नहीं किया। नहीं नहीं अच्छी बात है कैसे भी, क्योंकि ऐसे मेरा हो नहीं रहा अभी। ठीक है अभी इसको ऐसे करता हूँ मैं, बीटा वी टी बी बी ई वी डी कितना है देखो, बीटा एसेट 1.02 1 सेकेंड, 1.018876792। हाँ परफेक्ट 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 परफेक्ट। बीटा एसेट तो ये वापस से सेम फॉर्मूला यूज करना है फॉर आवर प्रोजेक्ट। वो तो इक्विटी के लिए हाँ कि अभी हमारी कंपनी का प्लान टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट इज डिफरेंट विद एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एंड हैज आइडेंटिफाइड अ कंपनी इन द सेम बिजनेस क्राइटेरिया द इक्विटी बीटा
एंड द कंपनी हैज अ मार्केट इक्विटी मार्केट ऑफ 54 मिलियन, अ प्रोजेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 12 मिलियन. तो मुझे लगता है अभी अपने को जो अपन ने ऊपर किया ना 15 मिलियन एंड ऑल दैट, तो अभी अपने को खाली वो डालना है इसमें. बट अपने को इक्विटी निकालना है ना, एसेट है अपने पास। बीटा एसेट है अपने पास. अब मुझे लगता है वीडी और वीई जो है ना वो अपने को इसका यूज करना है जो अपने ऊपर फाइंड आउट किया ना, वो 75 वैल्यू एंड 15 वैसा मैं बोल रहा हूँ. ए पार्ट में हाँ क्योंकि वरना तो बीटा एसेट और वैल्यू डी क्या क्या करेगा, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो तेरे को. वो तो अपने इसका ही है ना, वो तो फेंस का ही है। हाँ हाँ ना वही मैं पूछ बोल रहा था. तो वो अपन वही, मतलब शायद वही यूज होगा, लग तो रहा है। चल करके तो देखते हैं, वही तो करके देखते हैं। मोस्टली लग रहा है वही रहेगा क्योंकि अभी ऊपर ही निकाले है ना, कॉस्ट मैं ऑफ इक्विटी फेंस का ही है वो। कर ठीक है डिवाइड बाय पीई प्लस डी ब्रर। भाई देन एक एक स्टेप चेक करते हैं यहाँ पे. पेस्ट देन वीई डिवाइड बाय दिस दैट वी हैव गॉट 862 एंड देन डिवाइड बाय बीटा एसेट. तो अपने को बीटा इक्विटी इक्विटी इज इक्वल टू देन दिस डिवाइड बाय बीटा एसेट व्हिच इज बीटा एसेट. तो बीटा एसेट बन गया 0.8461. ठीक है मेरे को बीटा इक्विटी मिला 0.8461. एक सेकंड रुक, मोको ये नाउ वी हैव टू यूज द कैप एम फॉर्मूला. कैप एम फॉर्मूला. मेरा हाँ बोल ना. दिख नहीं रहा रे ऐसे बट 1.181876। सही है यार. रुक जा मैंने कुछ चेक किया है तूने क्या वो देखना पड़ेगा. अरे नहीं, मैंने खाली जो फॉर्मूला है ना उसको उल्टा कर दिया, तो बीटा एसेट को वहीं रहन दिया और बीटा इक्विटी को भी वहीं रहन दिया। वो जो नीचे का बीटा इक्विटी प्लस बीटा, सॉरी इक्विटी प्लस डेट वाला है ना, उसको इधर जाके बीटा एसेट से मल्टीप्लाई कर दिया और जो उधर का इक्विटी था उसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरा ऐसे हो गया। ये देख, बीटा एसेट इनटू, और वो होल आ गया वीई प्लस बट वीडी, बीटा तो मेरा इक्विटी का जो भी है वो दूसरे साइड जाएगा. हाँ तो एक्चुअली बीटा एसेट जब होगा ऊपर और न्यूमरेटर तो ये में बीटा नीचे का एसेट ऊपर होगा. मल्टीप्लाई होगा, हाँ तो आंसर आएगा वन ऊपर पॉइंट मल्टीप्लाई वन एट वन राइट. 1.181822। तो ये अपना हो गया अज्यूमिंग डी रीगियरिंग. जा रहा है। ठीक है सही जा रहे हैं. डी गियरिंग री गियरिंग डी पहले हो गया डी गियरिंग फिर हो गया री गियरिंग. अभी कैपएम का फॉर्मूला यूज करना है. कैपएम इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ. तो कैपएम इज इक्वल टू शुड बी
अरे बेटा इक्विटी, आर एफ है ना पहले। हाँ आर एफ कितना है मेरे को, मुझे चेक करना पड़ेगा। आर एफ इज 4%, हाँ आर एफ ही है, आर एम इज 11%। तो अभी कैपम शुड बी आर एफ प्लस बीटा इक्विटी इनटू ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 4, 11 माइनस 4 विच इज 7। वाह, तो आता है 12.27% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रुक रुक मैं पहुंच रहा हूं। आराम से आराम से। हाँ आर एफ कितना है अपना? 4। बेटा अपना 4 ही लिया, 4 13%, 13 वाले में भी लिया और रेफा बड़ा कर लिया मैंने तो। ठीक है, इस 12.3, 12.27, नाइस। काफी अच्छा, 12.273143 परफेक्ट। उनको आया 12.3, वही हो गया, वही हो वही गया, हो वही हो गया। गया। नीचे जरा हो जाए वो तो बताना, फिर थ्योरी पढ़ते हैं। हो गया मैं तो। आ जाती है रिपोर्ट एक्सप्लेन द पीछे चेक डिफरेंस। किया क्या? हाँ, पीछे चेक किया वो, इतना ही आ रहा है आंसर तो। अच्छा कर लिया क्या? बराबर है। हाँ 12.7, मैंने मैंने वही बोला ना, 12.3 आया उनको, अपने को 12.727 जो सही भी। है। अभी क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क इन रिलेशन टू पोर्टफोलियो थ्योरी एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हम पढ़ेंगे नहीं, ये तो पोर्टफोलियो थ्योरी तो सिंपल है, कैपम थोड़ा फिर भी शायद ना है। देख, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज समथिंग विच यू कैन डाइवर्सिफाई अवे, दैट कैन बी फेयर्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग इन हाँ एवरी थिंग। वेर एज सिस्टमैटिक रिस्क इज समथिंग विच कैनॉट बी डाइवर्सिफाइड एंड विल प्रिवेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। कैपेम मॉडल में जो बीटा रहता है वो सिस्टमैटिक रिस्क का ही रहता है, उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क का नहीं रहता। तो उसमें मुझे लगता है आर एम माइनस आर एफ जो अपन करते हैं वो होता है मार्केट माइनस फ्री, मतलब रिस्क फ्री रेट का। तो दैट गिव्स अस द सिस्टमैटिक, मतलब बीटा इक्विटी इज एज गुड एज द सिस्टमैटिक रिस्क। तो हमें टोटल इक्विटी मिल जाती है कि टोटल रिस्क कितना है उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि अपन तो देखेगा ना, तो अपन आर, जैसे मैंने बोला कि बीटा इक्विटी इज सिस्टमैटिक रिस्क, और उसको तू ऐड करता है आर एफ से विच इज अपना रिस्क फ्री रेट, मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो तेरे को मिल जाता है तेरा तेरा टोटल डिस्काउंटिंग कितना है, या तेरा के कितना है, ऐसा। बस एक एक ही उसको समझ गया। इंग्लिश में थोड़ा लिखने में दिक्कत आ सकती है, मैं तो चार्जिंग में लगा के आ रहा हूँ। चार्जिंग पे लगा दिया, अभी देख के इसका आंसर पढ़ लेते हैं। पोर्टफोलियो हाँ थ्योरी सजेस्ट दैट टोटल रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल, बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट शेयर्स रादर देन बाइंग शेयर्स इन ओनली वन और टू कंपनीज। इवन व्हेन अ पोर्टफोलियो हैज बीन वेल डाइवर्सिफाइड ओवर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, देर इज अ लिमिट टू द रिस्क रिडक्शन। देर इज अ लिमिट टू द रिस्क रिडक्शन
effect so that there is a level of risk which cannot be diversified away. The undiversifiable risk is the risk of the financial system as a whole. हाँ, तो इसको फाइनेंशियल ये भी बोलते हैं रिस्क. एंड सो इज रिफर टू एज सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क. मार्केट डाइवर्सिफाइबल रिस्क। रिस्क. हाँ नहीं, तू बोल। नहीं बोल, तू बोल, तू बोल. मैं तो खाली पढ़ रहा था वो नहीं, मैं एग्जाम्पल. दूसरा वो उसका वर्ड याद कर रहा था, वो मेरे को अभी क्लिक हुआ कि वो मार्केट रिस्क है उसका दूसरा नाम। हाँ, मार्केट रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क. डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहाँ गया हुआ यार. हाँ, विच इज द एलिमेंट ऑफ द टोटल रिस्क. विच इज द एलिमेंट ऑफ द टोटल रिस्क विच कैन बी रिड्यूस और मिनिमाइज बाय बाय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज रेफर टू एज अनसिस्टमैटिक रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क. सिंस इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल और स्पेसिफिक कंपनीज रादर देन द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल. पोर्टफोलियो थ्योरी इज कंसर्न विद टोटल रिस्क विच इज द सम ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. द कैपिटल प्राइजिंग मॉडल अज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सो इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक रिस्क अलोन. इतना ही दिया है कैपिटल रिस्क के, कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल के बारे में. हाँ, तारमाक का है ना। सही है. और अभी मेजर लास्ट सही था, किसका? मेजर का मेजॉरिटी पूरा ही सही था ऑलमोस्ट। हाँ, लेकिन लेकिन मुझे लगा था कि लोगों ने कैपेम के बारे में भी और कुछ कुछ बताया रहेगा, बट वो नहीं बताया, खाली एक ही लाइन बोल दी. वो पिछला वाला अपन जो क्वेश्चन किया वो 8 मार्क का था, तो उसके लिए पूरा एक पेज छापे थे, चार हाँ, का है। हाँ लेकिन इसका बाद एक और है ना. डिस्कस द हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर. ये तो मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट चैप्टर का है ना, 20th. 20th किया मैं, बट मतलब वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो ठीक है। हाँ हमने जस्ट कल ही किया, मेरे को तो याद भी नहीं कि वो क्या था. ये एफिशिएंट वो वाला है क्या, एसेट प्राइसिंग वाला, एसेट बेसिस पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो फिर। नहीं, मैं 20th मैंने खोला, अब मेरे को 20th में मिल नहीं रहा है. शायद ये 20th का भी नहीं है. कौन सा ही है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, रुक जा। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये क्वेश्चन पड़ा उसके बेसिस पे आया है. अरे उसका नहीं है, इसका है। एक सेकंड रुक। बी सी डी ई। ये इसका है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले का है। फिफ्टीन अच्छा, सोर्स सिक्सटीन ऑफ फाइनेंस का सेवनटीन है क्या? एटीन ओके ओके, ठीक मार्केट हाइपोथेसिस। हाँ, सॉल्यूशन पे ही आते हैं इसके. कैपिटल सॉल्यूशन पे आए इसके. हाँ हाँ आ जा। कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी इज कंसर्न विद द प्राइसिंग एफिशिएंसी फ्रॉम वीक व्हेन वीक फॉर्म सेमी मास सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी आर बीइंग अरे डिस्कस्ड. ये वो वाला है शायद, वीक मार्केट है तो शेयर प्राइस पुराना कंसिडर करते हैं। चैप्टर नंबर 20 है ये, पहले अपन ट्वेंटी गेस में ही किया आता था. है क्या? हाँ, नहीं, मीडियम 30 में. हाँ, वाले में पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर
फ्यूचर के वैल्यूज कंसिडर करते हैं शेयर प्राइस के, ऐसा ही कुछ था ना। हाँ वैसा ही था, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस आ गया ना, पेज नंबर 624। सिक्स 24 पे कहाँ है? सिक्स, हाँ मिल गया। फास्ट शेयर प्राइस, पब्लिक इंफॉर्मेशन, हाँ वही है। इसका वो क्या है, मैनेजर से क्या वो है? ईएमएच करेक्ट एंड शेयर प्राइस ऑफ अफेयर, देयर इज नो पॉइंट इन फाइनेंशियल मैनेजर सीकिंग टू मिसलीड द कैपिटल मार्केट बिकॉज सच अटेम्प्ट्स विल बी अनसक्सेसफुल। विंडो ड्रेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू शो अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजिशन इन अ फेवरेबल लाइट विल बी सीन थ्रू बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट एनालिस्ट है ना, अरे माँ क्या बोलते इसको, एनालिस्ट एनालिस्ट एज अ कैपिटल मार्केट डाइजेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्राइसिंग द कंपनी शेयर्स। तो टेक्स्ट बुक से पढ़ अनदर रहा है कि यहाँ से पढ़ रहा है, नहीं, ये ना वहीं से पढ़ रहा हूँ। ये हाँ ना। हाँ Another consequence of the EMH for financial managers is that there is no particular time that is best for issuing new shares. The share price on the stock market is always fair. Because share price are always fair, there are no bargains to be found on the stock market. That is, companies whose shares are undervalued. Acquisition Acquisition strategy which seeks to identify and exploit such stock markets bargain and pointless if the EMH is correct. strategy. Should be noted, however, that if real world capital markets are semi strong form efficient rather than strong form efficient, insider information may undermine the strength of the points made above. For example, a company which is valued fairly by the stock market may be undervalued or overvalued if private or insider information is taken into account. To maximize shareholder wealth, financial managers should not invest in positive NPV, should not only invest in positive NPV project, but should also communicate this as soon as possible to the market, as in an efficient market, this news will rapidly be incorporated into the share price. बराबर। ये चैप्टर तो बेसिकली मैंने इनसाइड पढ़ा ही ट्रेडिंग नहीं है। मत करो, इनसाइड ट्रेडिंग मत करो, एंड का कंक्लूजन वही था उसका। लास्ट के जो डेढ़ डेढ़ पैरा है ना, उसमें वही बोल रहा है। यार मैंने ना ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, मतलब क्योंकि हमने कल किया था ये चैप्टर, और लास्ट में मतलब ओ लास्ट के आधे घंटे में लेक्चर के, तो मेरा ध्यान हाँ नहीं था, तो मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा पूरा फिर से। इसका क्या रहता है, मतलब मुझे एक बात बता। ट्वेंटियथ हल्का है। 20th का तेरे को, 20th के दो तीन फॉर्मूला है खाली, उतना तू देख लेगा उतने में हो जाएगा। ये मैं क्या बता, मेरे को इसका बता ना, लाइक सेमी स्ट्रॉन्ग, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग में क्या रहता है कि वीक फॉर्म में हर किसी के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो वाली पर्टिकुलर है ना। पुराने तो शेयर प्राइस का मूवमेंट्स है वीक में, सिर्फ अच्छा मतलब खाली पुराने शेयर मार्केट्स, शेयर प्राइस पुराने, सिर्फ मूवमेंट्स में देख रहे हैं, सेमी पुराने स्ट्रॉन्ग में पुराने क्या हो रहा है कि भी है, और जो अभी चल रहा है मार्केट में वो है। इंफॉर्मेशन। हाँ जैसे पुराने में समझ 2 महीने पहले 10 रुपए थी, तो वीक में बोलेगा तो उसके सिर्फ 10 का ही इन्फॉर्मेशन है। आज के मार्केट में अभी किस में ट्रेड हो रहा है, सपोज 15 पे हो रहा है, तेरे पास 10 की भी इंफॉर्मेशन है, तब क्या सीन था, 15 की भी है, अभी क्या सीन है। ओके और स्ट्रॉन्ग में तेरे पास तीनों की है, मतलब पुराना मालूम है, अभी क्या चल रहा है वो भी मालूम है, और आगे क्या फ्लक्चुएट होगा वो भी है, अच्छा पब्लिक एंड प्राइवेट। अब प्राइवेट में लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब कहीं तो पढ़ा था उसमें इनसाइडर का पार्ट आ जाता है, क्योंकि कंपनीज विद इन द फर्म या फिर विद इन द मार्केट अगर बात करते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता है, टेक्निकली है फ्यूचर का ही, बट वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक। इसका तो इतना ही है, बाकी इसके बेसिक फॉर्मूले अरे वो ईपीएस वगैरह का है, और ईपीएस से तुझे ये दिखाएंगे मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा कंपनी का, उसका कुछ वो नहीं है, मतलब ये सब के एंड में करेगा तो देखो वैसी दिक्कत नहीं जाएगी। मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटा लेके बैठेगा ना, खींच खींच के 2 घंटा भी ले लिया तो भी हो जाएगा। सही सही। अच्छा मेरे को ये बता,
वर्किंग कैपिटल में किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए मेजरली, अगर मैं एक्सेल पे मैं तो खुद का क्वेश्चंस वीक है, वर्किंग कैपिटल अभी चालू करना है। इन्वेस्टमेंट का बता दो। इन्वेस्टमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, तू देखेगा ना तो सम भी सेम है और इजी है। मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तेरे को, अभी तूने एक सम किया ना, तो तू तो ये पहली बार ये कर रहा था सम, फिर भी तूने सही से किया उस चीज को अप्रोच। अभी अगर अपन शाम को एक और सम लेके बैठ जाएंगे ना, तो तेरे को पता चलेगा कि एक बार कि वो टेबल कैसे बनाते हैं वगैरह ना, फिर वो सम इजी है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुझे जेन्युइनली लगता है कि भले ही तेरे दो तीन मिस्टेक अगर हो भी गए, तो भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज स्टिल मच बेटर देन व्हाट अदर थिंग्स आर। ना नहीं, इन्वेस्टमेंट इजी तो है, नो डाउट। इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशंस लेंदी है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिक्कत जा रही है, जो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाता है, फर्स्ट पार्ट, उसके बाद तो जो थियोरी का क्वेश्चन आता है, मैं वहां वो हो रहा होगा। लगता है कि थ्योरी के क्वेश्चन ना बहुत सारे ना ऐसे हैं कि जो सेम सेम आ जाते हैं, रिपीटेटिव हाँ है तो थोड़े से। मतलब एक बार पता चल गया ना कौन कौन से है, फिर वही लेके बैठ जाऊंगा मैं एग्जाम किट। फिर दो एक बार हो गई ना, उसके बाद ठीक है। भाई दो तीन बार तो मैं भी करके जाने का हाँ सोच रहा हूँ एग्जाम किट। 15 मई तक मेरा एक बार शायद हो जाएगा, 15 मई तक। कितना, 2-3 बार? नहीं, एक बार पहले, एक पहली बार 15 बार में लगता भाई नहीं नहीं भाई उसके मैं छोड़ देता, पेपर कैंसिल, अभी कैंसिल करा देता। नहीं, 15 तारीख तक एक बार, या एक एक बार तो बार तो करने का मेरा, प्लान है। हाँ एक बार हो जाएगा। टारगेट तो मैंने भी उतना ही रखा हो, मैंने 12 से 15 रखा हो, कि मेरे को सेक्शन सी में ही बाकी है। मेरा सेक्शन सी में मैं चालू पीछे से करूंगा, क्योंकि ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस जा रहा हूँ, तो वो और मतलब पुराने साल के हैं, जो राइट अभी रिपीट हुए हैं ना, तो जैसे समझ ले सितंबर दिसंबर 17 तक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर के और देखूंगा। अगर ज्यादा ठीक ही है। सिमिलर है तो नहीं करूंगा, बट जहां लग रहा है कि थोड़ा सा भी अगर अटक रहा हूँ, तो फिर वो उठा के वापस सॉल्व कर लूंगा। सही सही सही।